नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर लक्ष्मीगंज मुक्ति धाम में 1108 दीपक को प्रज्वलित करने के उपरांत जल ग्रहण करने का संकल्प। ग्वालियर नगर निगम डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अतिबल सिंह यादव ने बताया कि ये दीपक उन मृत आत्माओं के लिए जलाए जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अकाल काल के मुंह में समा गए। इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में मृत व्यक्तियों को सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। लक्ष्मीगंज मुख्य शमशान घाट के अलावा गैस प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर भी दीप जलाए गए। इस मौके पर नगर निगम ग्वालियर उपायुक्त डॉक्टर अतिबल सिंह यादव का भाजपा जिला अध्यक्ष कमल मक्खी जानी सब अन्य समाज सेवी उपस्थित थे। समाज सेवियों ने एक म्यूजिक सिस्टम लक्ष्मीगंज शमशान गृह को भेंट किया जो किसी व्यक्ति की अंतिम क्रिया के साथ चलाया जा सकेगा। कई परिवारों के हालात ऐसे बने थे कि परिवार के सदस्य अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। ऐसे में नगर निगम डॉक्टर यादव ने सोरो गंगा जी घाट हर की पौड़ी हरिद्वार जाकर अस्थियों का विधि पूर्वक विसर्जन किया था। आज 1108 दीपक प्रज्वलित करके मृतात्माओं को शांति प्रदान करने का प्रयत्न किया है। चंबल संभाग ब्यूरो प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारे में जो हितग्राही उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, सगे परिवार के सदस्य जब उनका साथ छोड़ रहे थे, तो मैं चूंकि ईश्वरवादी हूँ, सनातन धर्मी हूँ, संतों की सेवा में रहा था, तो ऐसे में मुझे प्रेरणा मिली कि अब इनका जो कोई नहीं है तो मैं इनकी आत्मा शांति के लिए ये कुछ करें। तो इस तरह से मैंने जल ग्रहण दीपक जलाने के बाद ही संकल्प लिया और मैंने इनका सबसे पहले जो शवदाह गृह में, गैस प्लांट में और कंडा लकड़ी पर इनका विधि विधान से दाह संस्कार कराया और उसके बाद उनका अस्थियों का संचय किया गया। और अस्थियों का चूंकि उनके कोई परिजन नहीं आए पेपर में देने के बाद भी सूचना, चूंकि कोई वो नहीं था माध्यम इसलिए नहीं दे पाया, तो फिर उसके बाद मैंने उनको सौरों घाट और हरिद्वार हर की पौड़ी पर उनकी अस्थियों को ले गया और विधि विधान से वहाँ विसर्जन किया, उनका पूजन भी करवाया, फिर उनका दान दक्षिणा भी उनको दी गई और उनका ब्रह्मभोज भी कराया। इस तरह से एक प्रेरणा पैदा हुई कि इनके लिए दीपावली का त्यौहार है, नरक चौदस है, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए, इनको श्रद्धांजलि के लिए इनके लिए दीपक जलाए जाएँ। तो मैंने इसलिए 1108 दीपक लक्ष्मी मुख्य धाम में विद्युत सत्याग्रह पे मैंने ये जलवाए और उनको शांति मिले, ईश्वर उन्हें उनको आत्मा को शांति दे, इसी उद्देश्य से मैंने ये जल ग्रहण इनको दीपक जलाने के बाद फिर किया। सर, आपकी अभी क्या एडवाइस है कोरोना काल में थर्ड वेव को लेकर आमजन को? आमजन से हमारी निवेदन भी है, सलाह भी है और एक आदेश भी है कि वह सतर्क रहें, क्योंकि मैं पहला और दूसरा दोनों लहरों को अच्छी तरह से, कोरोना के जो वायरस फैला था उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। उस समय शमशान घाट में वहाँ पर जो कर्मचारी थे वो तक भाग गए थे, तब मुझे कुछ तीन कर्मचारी हायर करके लेने पड़े और उन्होंने बड़ा मजबूत करके मैंने कहा तो उन्होंने पूरा स्ट्रेचर से उतारने से लेकर दाह संस्कार प्रक्रिया में पूरा उन्होंने सहयोग किया। तो ऐसी स्थिति में मुझे सभी से कहा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है और उन्होंने बड़ा मजबूत करके मैंने कहा तो उन्होंने पूरा स्ट्रेचर से उतारने से लेकर दाह संस्कार प्रक्रिया में पूरा उन्होंने सहयोग किया। तो ऐसी स्थिति में मुझे सभी से कहा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, योग क्रियाएं करते हैं, दिनचर्या जिनकी अच्छी है, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, आधुनिक फ्रिज इत्यादि चीज़ों का जो उपयोग नहीं करते हैं वो ही इस कोरोना में बच सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि भौतिक चीज़ों को छोड़कर प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें, योगा करें, मेहनत करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और एक जो वायरस का नाम वेव्स आने वाली है उससे सतर्क रहें, यही हमारी सलाह है जी। डॉक्टर साहब, आपको जानने वाले ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप हेलो हाई की जगह राधे राधे का प्रयोग करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हेलो हाय नमस्ते ये सब चूँकि अंग्रेजी की दी हुई संस्कृति है
ये हमारी सनातन धर्म की नहीं है। दूसरा क्या, हमारा श्री कृष्ण भगवान और राधा का जो मैंने पीएचडी में पढ़ा है और जो हमारा संतों से हमें जो प्रेरणा मिली है, उस तरह से श्री कृष्ण भगवान ही राधा हैं, राधा ही श्री कृष्ण भगवान हैं। इसलिए दोनों का एक स्वरूप है, दो आत्माओं का एक मिलन है, दो आत्माएं एक आत्मा है। इसलिए राधा राधा बोलो या श्री कृष्ण भगवान बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि ये राधा और श्री कृष्ण, भले उस भागवत में नहीं राधा का नाम आता है, लेकिन चूंकि वो एक ही आत्मा है, इसलिए हम वहाँ मथुरा वृंदावन ब्रजभूमि में परिक्रमा भी करते हैं, तो वहाँ भी सभी लोग राधा राधा कहते हैं। तो उनका चूंकि जो मर्म जानते हैं, उन्हें राधा से अनायसी ही सनातनी धर्म की जो उनको इच्छा करते हैं, तो इसमें वैज्ञानिक वो है कि केवल परिक्रमा लगाने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, राधा राधा कहने से सारी उनकी समस्या हल हो जाती हैं। इसलिए यह एक ईश्वरवादी शब्द है, उसका जो उपयोग करते हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा जी। आप ग्वालियर शहर में कई धार्मिक कार्य आपने किए हैं, और ये जो कार्य आप करते हैं तो इसमें आपका, आपको किसका सहयोग प्राप्त होता है? चूंकि मैं शुरुआत से संतों की सेवा में सनातनी ईश्वरवादी रहा हूं, तो हम जो भी बीड़ा उठा लेते हैं, हमें सभी शहर के नगरवासी, प्रदेश के, सभी देश के, जहां भी मैं जाता हूं, हमें सहयोग मिलता है। इस तरह करते करते करीब मैं 108 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करा चुका हूं। हम हमारी जन्मभूमि में 51 देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें माल भी नहीं पड़ा कब होगी, सभी लोगों ने सहयोग किया और प्राण प्रतिष्ठा करके बहुत विशाल मंदिर बन गया। ऐसे ही मेरा यहाँ ग्वालियर में 3-4 मंदिर बने हुए हैं, वहाँ भी इसी तरह से सारा सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी लोग धार्मिक लोग जो मर्म जानते हैं, उन्हें राधा से अनायसी ही सनातनी धर्म की जो उनको इच्छा करते हैं, तो इसमें वैज्ञानिक वो है कि केवल परिक्रमा लगाने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, राधा राधा कहने से सारी उनकी समस्या हल हो जाती हैं। इसलिए यह एक ईश्वरवादी शब्द है, उसका जो उपयोग करते हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा जी। आप ग्वालियर शहर में कई धार्मिक कार्य आपने किए हैं, और ये जो कार्य आप करते हैं तो इसमें आपका, आपको किसका सहयोग प्राप्त होता है? चूंकि मैं शुरुआत से संतों की सेवा में सनातनी ईश्वरवादी रहा हूं, तो हम जो भी बीड़ा उठा लेते हैं, हमें सभी शहर के नगरवासी, प्रदेश के, सभी देश के, जहां भी मैं जाता हूं, हमें सहयोग मिलता है। इस तरह करते करते करीब मैं 108 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करा चुका हूं। हम हमारी जन्मभूमि में 51 देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें माल भी नहीं पड़ा कब होगी, सभी लोगों ने सहयोग किया और प्राण प्रतिष्ठा करके बहुत विशाल मंदिर बन गया। ऐसे ही मेरा यहाँ ग्वालियर में 3-4 मंदिर बने हुए हैं, वहाँ भी इसी तरह से सारा सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी लोग धार्मिक लोग जो जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ आ जाते हैं और निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से हमें सहयोग करते हैं, और मैं उस तरह से ये सभी सेवाएं करते हैं जो करी लोगों के लिए, सनातन धर्म का इसमें प्रचार प्रसार भी होता है। सभी ईश्वरवादी होने के कारण सभी उनको क्या नाम, कर्तव्य का उनको ज्ञान हो जाता है और उनका मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो उन्हें मिल जाता है इतना करने से। इसलिए मैं इतना सब सभी के सहयोग से करता रहता हूँ, जिला प्रशासन उनके सहयोग से करता रहता हूँ, हमारा नगर प्रशासन भी, हमारे आयुक्त महोदय भी हमें इन चीज़ों में बड़ा सहयोग करते हैं। आप काफी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये जो दीपावली त्योहार पर कोरोना के इस दौर में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम कोरोना के ध्यान में रखते हुए, तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, हम ये सभी को सहयोग की उम्मीद चाहता हूँ। हम उनको एक आदेश भी देता हूँ और एक सलाह भी देता हूँ कि वो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें, जो पंच तत्व से बनी हुई चीज़ें उन्हीं का उपयोग करें, ये फ्रिज और जो भौतिकवादी उससे थोड़ा दूर रहें, फिजिकल फिटनेस बढ़ाएं, योगा करें और जितना हो सके प्राकृतिक चिकित्सा का ही उपयोग करें। तो इससे निश्चय हम कहूँगा कि वो सभी युवा युवती सभी इस तीसरी लहर, क्या कोई भी लहर आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, सभी से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक शक्ति बढ़ेगी, उनमें खुद में एक विश्वास होगा, हर तरह की बीमारी को सहन करने की शक्ति मिलेगी, और कोरोना वायरस तो तीसरी लहर उनके सामने आ ही नहीं सकी है।